लोकसभा चुनाव में यूपी में बड़ी जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को पहली बार राम की नगरी अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने अयोध्या शोध संस्थान में 7 फीट ऊंची कोदंड राम की प्रतिमा का अनावरण किया। बता दें कि 7 फीट की इस प्रतिमा को राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। इसे संस्थान के शिल्प संग्रहालय में स्थापित किया जाएगा। जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपालदास के 81वें जन्मोत्सव समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे सीएम ने भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने जन्मोत्सव कार्यक्रम समारोह का भी उद्घाटन किया। कर्नाटक के कावेरी कर्नाटक स्टेट आर्ट्स एवं क्राफ्ट एम्पोरियम से 35 लाख में खरीदी गई भगवान राम की यह प्रतिमा देखने में काफी आकर्षक है। इसे काष्ठकला की एक दुर्लभ कृति माना जा रहा है। फिलहाल प्रतिमा का अनावरण अस्थायी स्थल पर कराया गया है। बाद में लाइब्रेरी में स्थायी प्लेटफॉर्म बन जाने पर इसे वहां स्थापित कर दिया जाएगा। जन्मोत्सव समारोह 14 जून तक चलेगा। इसके बाद 15 जून को एक धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। इसमें राम मंदिर को लेकर रणनीति तय की जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार योगी कैरेबियन देशों की रामलीला यात्रा, अयोध्या की पुरातात्विक रिपोर्ट, थारुओं की कला एवं संस्कृति और अवध की लोक चित्रकला पुस्तक का भी लोकार्पण करेंगे। इस दौरान वह मूर्तिकारों, चित्रकारों और साहित्यकारों को सम्मानित भी करेंगे। अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री यहां के विकास कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। वह राम की पैड़ी, निर्माणाधीन भजन स्थल, अयोध्या बस स्टेशन के निर्माण कार्य और गुप्तार घाट के सौंदर्यीकरण कार्य की प्रगति की जानकारी भी लेंगे।